सर क्या शुभ नाम है आपका? अमन जी, सिरसा में हम मौजूद हैं। हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा गढ़ के तौर पर शहर को देखा जाता है, कितना कामकाज यहां पर हुआ है, विकास हुआ है, क्या लगता है आप लोग? कुछ विकास नहीं हुआ सर, पिछली बार तो, अभी इस बार अशोक तंवर जी हैं, वो हर बार पार्टी बदल लेते हैं, विकास कहां से होगा हमारे सिरसा का। इस बार हमें लग रहा है कि जो कांग्रेस की कैंडिडेट है कुमारी शैलजा जी, उनका दबदबा बहुत ज्यादा है सिरसा में, और हमें उम्मीद है कि आने वाले जो 5 साल हैं वो सिरसा के विकास के लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। रोजगार को लेके, तमाम चीजों को लेके, क्योंकि सुनीता दुग्गल जी यहां से सांसद थी, 5 साल में कुछ लगता है कि काम हुआ यहां? सुनीता दुग्गल जी तो कभी लोगों के बीच में आके मिली नहीं है किसी को, तो काम कहां से होगा सर, उनके पास टाइम ही नहीं है ना। विकास तो आपके सामने देख ही रहे हो आप, कितना विकास हुआ है। अब इन्होंने आना है मंत्रियों ने तो ये सड़कें बन रही है, अदरवाइज तो यहाँ कोई इतने इतने खड्डे थे, आप 2 दिन पहले आते तो आपको पता लगता है यहाँ पे कैसा विकास हो रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ की पब्लिक? एक तरफ एक बात और बताइए, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिरसा से इतने बड़े बड़े नेता हुए, ताऊ देवीलाल हुए, और बात करें ओम प्रकाश चौटाला जी की, लगातार जीतते रहे यहाँ से, मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, उसके बाद भी ये स्थिति क्यों है? सबकी राजनीति आप लोगों ने देख ली, कांग्रेस की, इनेलो की, सबकी, बीजेपी की, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब विकास क्यों नहीं हो पा रहा? विकास जब चौटाला जी थे उन्होंने तो अपने टाइम में बहुत विकास करवाया, लेकिन जब से ये गोपाल कांडा जी आए हैं सिरसा की राजनीति, उसके बाद हमारा सिरसा पिछड़ता ही जा रहा है लगातार। बिल्कुल जी, लग रही है कि कांग्रेस अगर आपकी, डेफिनेटली जी, इस बार तो 400 पार का जो नारा है वो फ्लॉप होता नजर आ रहा है हमें, और राहुल गांधी जी की उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है बहुत जल्द, और जो कुमारी शैलजा जी है वो 3 लाख प्लस वोटों से जीतने जा रही है सिरसा से। चलिए देखिए, इनको लगता है कि कुमारी शैलजा यहाँ से जीतेंगी, और काम विकास का उस तरीके से नहीं हुआ है। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर बढ़िया जी, क्या है यहाँ सिरसा, चुनाव अब हो रहा है, सब इतनी गर्मी है, मुद्दे क्या? यहाँ तो जी शैलजा कुमारी सीट निकाल रही है। हाँ जी, काम क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सबकी राजनीति तो सिरसा ने देख ली ना, चौटाले की राजनीति देख ली, सबकी देख ली, यही है जी, लाइट है वगैरह है कुछ, जैसे दाने वगैरह ये कम दे रहे हैं, वो पहले 35 मिल रहे थे अब 5 किलो देने लग गए उनके। हाँ जी, और कोई समस्या तो है नहीं, लेकिन बाकी तो आपको पता ही, जैसे माहौल बन रहा है सही बन रहा है। हाँ जी, और बीजेपी कह रही है कि मोदी जिस तरीके से योजनाएं लेकर आए, लोगों को राशन दे रहे हैं, तमाम योजनाएं चला रहे हैं, उसका फायदा कुछ मिलता है, वो योजनाएं पहुंचती हैं गांव घर तक? नहीं जी, कोई योजना नहीं पहुंचती, ऐसी कोई योजना नहीं पहुंच रही गांव में। हाँ जी, रोजगार के लिए कुछ है युवाओं के यहाँ के, सब बाहर ही जाए, बाहर जाकर काम करें, उद्योग धंधे कुछ ऐसे डेवलप किए गए पिछले कुछ साल? यही चल रहा है जी, बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको कुछ मिल नहीं रहा, क्या फायदा है अभी, बच्चे जो फुल पढ़ाई कर रखी है उनको कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई का फायदा क्या है, जैसे गरीब के बच्चे हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है, पैसे वाले बच्चे वो लग रहे, किसी को बेनिफिट तो है नहीं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से, देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।